हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब लोग आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारी आज की लोकेशन रहेगी और यहीं पे हमारा आज पूरा बकरा बनेगा और भात बनेगा। और यहाँ पे हमारे सारे फ्रेंड पहुँच चुके हैं और ये कुछ यहाँ पे लगे हैं और यहाँ पे बनाने के लिए चूरड़े लग रहे हैं। और ये गुलशन हो गया, लव कुमार, और ये राशन चावल भी आ गया है, राशन पानी भी पूरा यहाँ पे पहुँच चुका है। तो यहाँ पे चूल्हा तैयार होने लग गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और इसमें पहले हम हलवा बनाने के लिए कढ़ाई सेट करेंगे। बकरा भी यहाँ पे पहुँच गया है, बकरा भी ठीक ठाक है। तो ये हलवा की तैयारी होने लगी है। वाह वाह वाह, ये हमारे गांव में है और ये पूजा है आज यहाँ पे। और ये बकरा भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बकरे सा रखा है। और ये यहाँ पे लव कुमार, गुलशन लकड़ी इकट्ठा करते हुए, बहुत सराहनीय कार्य इनका। बाकी सारे लोग बैठे हैं आप देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे गुड़ भी पड़ गया, सब जर पानी और डाल पचो दो। पानी अब अच्छी तरह से गर्म होने लग गया है। सारे भाई लोग यहाँ पे खड़े हैं हलवा के चक्र में। बोला तो मुझे मेरा पड़ रखा है। ठीक है ठीक है, बकरी घेर रखी है सारे। ये नए तरीके से यहाँ पे हलवा को बनाया जाएगा आज हमारे भाई जी के द्वारा। ये हलवा के स्पेशलिस्ट हैं। तो ये यहाँ पे बहुत दूर से लकड़ियाँ लेके आ रहे हैं। गया है, अब इसमें हम आटा डालेंगे। वाह भाई भाई भाई, लगता है प्रसाद को फड़ा होता है यार। आप दोस्तों, यहाँ पे गुलशन लगा है, हमारे दुर्गा भाई जी लगे हैं। और यहाँ पे बकरी के भी सर के बाल बन रहे हैं। और प्रसाद हमारा तैयार हो गया, लेकिन गुठलियाँ ऐसी रह गई। योगेश भाई जी यहाँ पे हमारे प्याज छिलने पे लगे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत सुंदर गुलशन तब से लगा पड़ा है, बहुत बढ़िया गुलशन हमारा तैयार हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, ये
यहाँ पे सोनू भाई चावल पकाने के लिए पानी ले जा रहा है। यहाँ पे बनेगा भाई जी हमारा चावल। जी भी पहुँच गए यहाँ पे बढ़िया भाई जी। और यहाँ पे सब पेट टीकाकरण हो रहा है, ये होना बहुत जरूरी है। हरी भाई भी लगा है आराम से बैठ के प्याज काटने पे। हमारे आप सबको हलवा बांटेंगे, बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं यहाँ पे भाई जी। और ये हमारा चावल का पानी भी तैयार हो रहा है। ये पुजारी लव आ गया यहाँ पे। बकरे की कटिंग चालू हो गई है। यहाँ पे योगेश भाई, महावीर भाई और हरीश भाई के द्वारा यहाँ पे बकरा कटिंग चल रही है। और यहाँ पे प्रसाद हलवा वितरण हो रहा है धीरे धीरे सबको। चल पहले मैं इसे कर स्टार्ट। तो सबसे पहले मुझे ही दिया है भाई ने। कुछ यहाँ भी बैठे हैं। गुलशन को भी हलवा मिल चुका है और यहाँ पे सबको मिल रहा है धीरे धीरे। बड़ा मज़ा आ रहा है। योगेश भाई जी के द्वारा फेफड़ों में हवा मारी जा रही है। कब लाते कब दो? बहुत बड़ा कर दिया है भाई जी ने। इसकी फिनिश की जा रही है। अच्छी सी कटिंग चल रही है यहाँ पे हरीश भाई के द्वारा। बहुत सुंदर कार्य किया जा रहा है। ये भी यहाँ पे लगे पड़े हैं महावीर भाई लोकेशन पे।
तो जहाँ जाओ वहाँ दिखाई दे रहा है, गुलशना का काम बहुत अच्छा किया जा रहा है आज। तो यहाँ पे अब बकरा पकाया जाएगा दोस्तों, सुनील भाई भी लगा पड़ा यहाँ पे। बकरे को जहाँ से फाड़ा था वहाँ अब घास भरी जा रही है दोस्तों, जिससे कि वहाँ बदबू ना आए, धुआं धुआं की स्मेल ना आ जाए। दाव रहे थे बकरा दाव और ये रामचंद्र भी चले गया लकड़ी। हाँ हाँ तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। रामचंद्र अपने शब्दों में कुछ बोलेंगे क्या आप? अभी तो बकरे को माल भी पका रहे हैं और पकाने के बाद ही अब आगे के वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम नदी के किनारे पर आ रहे हैं और किस तरह से बनाएंगे हम। जी ये पकने के बाद पता चलेगा अभी, मतलब जो पकने के बाद हम आपको पूरी तरह से बताएंगे आपको। हाँ किस तरीके से इसको बनाएंगे हम। मनीष भी ऊपर खड़ा है। पकाओ भाई लोगों, अच्छी तरह से पकाओ। ऐसा मारो ना छाल पाल, चार आदमियों की जरूरत होती है इसको पकाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसको इस तरीके से पलटाओ। अभी पहले एक हॉर पक जाएगा। तो क्या कहना आपको इस बकरे पकाने के बारे में? तो आप हमसे एक्सपीरियंस ले सकते हैं बकरे पकाने का। तो आप बिल्कुल 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 देख रहे हैं, बिल्कुल लगता है आपको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। अभी नहीं मोटा पा। और सुनील भाई भी लगा पड़ा है बहुत बड़े तरीके से, और यहाँ पे ऊपर से बहुत सारे लोंडे खड़े हैं। तो चलो दोस्तों जरा नीचे की साइड देखते हैं यहाँ की क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है। बस चावल का पानी भी तैयार हो रहा है और यहाँ पे हमारे बड़े भाई लोग सारे बैठ रखे हैं। और हरीश भाई बड़ा शांति से यहाँ पे प्याज टमाटर का काम कर रहा है। और यहाँ भी सारे भाई लोग लगे पड़े हैं। कौन बड़ा बना लेने आ रही है? बहुत बड़ा बहुत ही अच्छा काम। बिल्कुल बिल्कुल भाई भाई भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं यहाँ पे बड़े भाई। क्या कहना आपका? चलते हैं बकरी पकाने पे। भाई लोगों ने कितना कार्य किया वहाँ पे। और ये ऊपर भी बैठे हैं मोहन भाई, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे वाह, तुमने तो यहाँ पूरा काम कर दिया रे भाई।
धुआं धुआं होता हुआ। आधा तो पक गया है बकरा, लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा। हमारे हाथ के बाल जल चुके हैं, जंगल के बीच में तो पूरे तो लगेंगे वैसे, पर हमें इतना अंदाजा नहीं था इतने सारे पूरे लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब बंदे पे यार जड़ तक पूरे लगे पड़े हैं भाई, तो भाई पे तो लठ पूरे भी लगे। पहाड़ में तो ऐसे चलता है भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल, मिट्टी लगती है। अब बकरा भी पका है, ठार से पकने की तैयारी में है। बिल्कुल साहब, खाने का मजा ही कुछ और है। हमारे यहाँ ये पूजा हर व्यक्ति को देनी पड़ती है, देनी पड़ती है, कंपलसरी है, कंपलसरी है शादी होने के बाद। हाँ, हर बेटी को देनी पड़ती है ये पूजा। क्या कहना है आपका, यहाँ पे बकरा पक रहा है, क्या कहना है, आज नदी में आ रखे हैं पूजा में। बिल्कुल बिल्कुल साहब, ये बच्चे लोग लगे हैं बकरे पका रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसको पकाएंगे इसके बाद कटिंग चले गया। बिल्कुल साहब बिल्कुल, ये पतेली में पड़ेगी अब। और यहाँ पे हलवा चल रहा है, हलवा चल रहा है, हलवा पिटाई चल रही है। देवेश के द्वारा, और यहाँ पे कुछ ये छोटे भाई लोग भी बैठे हैं यहाँ पे। थोड़ा ध्यान भाई, बहुत ज़्यादा भाई और खाली तुम्हारे या ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से पकाया जा रहा है। और अभी हमारे बड़े भाई रामचंद्र अपनी स्टाइल में पका रहे हैं, अच्छी तरह से पकाएंगे इसको, दाल को बिल्कुल प्रकार करके पका के प्रकार हो रही है इसको, इतना सुंदर बनाएंगे, इतना सुंदर बनाएंगे कि आप लोग भी देखते रह जाओगे। हाँ जी आकाश, आपकी क्या राय है? वो पक रहा है अभी, बनेगा धीरे धीरे। जी जी बनाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। जड़ तक पकाएंगे इसको, जड़ तक पकाएंगे और अच्छे पकाएंगे, उतना ज्यादा टेस्ट आएगा इसमें। या बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और हमारे प्रधान जी दो राय आपकी भी ठीक है, चलो कोई नहीं बढ़िया है। चलो दोस्तों जरा नीचे चलते हैं, नीचे के देखते हैं चावल कितना बना है और क्या क्या कार्य वहाँ हुआ है, क्योंकि बारिश की भी संभावना है, मौसम पूरा धुंधला पड़ा हुआ है। यहाँ पे बड़े भाई भी लगे पड़े हैं चावल बनाने पे, और चावल इसमें डाल दिया है। हरीश भाई के द्वारा यहाँ पे कल भुजी का काम किया जा रहा है, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने काट दिया है, देख सकते हैं दोस्तों आप। इसकी बनेगी पहाड़ों में बनेगी कचबुली, इसको बोलते हैं तोलिया। भाई जी क्या बनाएंगे इसका? इसका हम कचबुली बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, बांटेंगे सबको बांटेंगे, और आज तुम्हारे ही रेसिपी द्वारा कल भुजी बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हरीश भाई और महावीर के द्वारा बहुत ही सुंदर काम किया जा रहा है, बड़े सफाई से काम कर रही है, देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे हमारे भाई लोग भी बैठे पड़े हैं, क्या कहना है आपका, मजा आ रहा है? ठंडा बहुत लग रहा है और पानी भी बहुत ठंडा है। यहाँ पे तैयार होने वाला है बड़े भाई दुर्गा भाई जी के द्वारा, बहुत ही टाइम से यहाँ पे आग के सामने, क्या कहना है आपका, कितने लोग आ रखे हैं यहाँ पे? जी अच्छा मान लिया, प्रोग्राम बढ़िया चल रहा है, थोड़ा जोर से बोलेगा, आवाज नहीं आ रही है। जी 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 ठीक है जी जी, भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो आपका क्या कहना है, कितने लोग आ रखे हैं और कैसा यहाँ पे कार्यक्रम चलेगा? कार्यक्रम बढ़िया चल रहा है, लगभग 33-34 लोग आ रखे हैं, अभी कुछ परसों में आ रहे हैं। जी 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 25 लोग परसों में आ रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा
बढ़िया ढंग से चला करो। ठीक है ठीक है, हमारा बकरा भी मैरिनेट हो गया। हाँ ठीक है, और बकरा भी यहाँ पे अच्छी तरह से पक गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों, चमड़ी तक निकल गई। मैं तो बस जा रहे हो, तुमने छुप जा, लाग रहा था तू, लाग रहे थे तक छुप, कछुए परे मर छुप, देख दीपक भी लगा पड़ा है, बहुत ही मेहनत लगा है, और आकाश भी लगा पड़ा है, जरा बाल दिखाना आकाश अपने, बुआ बुआ जी बुआ, महाकाल का पक्का भक्त है आकाश, माँ भी आ गया से लेके तसला लेके, और उसमें क्या ला रखा है, इस पे क्या है, बोतल, अच्छा बोतल लेके, ठीक है, रामगढ़ वाली सर। तो बकरा को ले जाने की तैयारी हो रही है, चलो जी इसको ले जाएंगे सीधे नदी में, चलो भैया इसको लेके चलो नदी के किनारे, तो बढ़िया सफाई चलेगी एक बार। दीपक भाई के साथ जा रहे आकाश कमानिया, और यहाँ पे अमित भाई के द्वारा कलबुजी चलाई जा रही है। नमक कुछ ज्यादा हो गया है, यहाँ सबको मिल गई कलबुली। बकरे की अच्छी तरीके से सफाई चली गई, ये काला काला है, इसको सारा निकालेंगे। बढ़िया सफाई होनी चाहिए दोस्तों, हाँ इसकी, तब जाके मजा आएगा। तो ये निकल रहा है इसका काला कालापन, एक बार इसको पूरा पानी में डुबा दो, डुबा दिया, एक बार डुबा दो, महावीर भाई के द्वारा अच्छी सफाई की जाएगी। बढ़िया सफाई चल रही है दोस्तों, महावीर भाई और आकाश द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी सफाई होनी चाहिए दोस्त, खाने में मजा तभी आएगा। चिकन करी कड़ी भी नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरीके से साफ कर रहे हैं महावीर भाई, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और आकाश भी फुल एक्सपीरियंस बंदा लग रहा है, तो यहाँ पे लगता है इनको कंफर्टेबल नहीं हो रहा धोने में, तो अब ये दूसरे जगहों पे जा रहे हैं। या कुलबुजी का कार्यक्रम चल ही रहा है, नमक बहुत ज्यादा डाल लगे भाई जी, ढक्कन रोल देना, ठीक रोल देना, ढक्कन रोल, रुक जाता भर, रुक जा, चावल भी तैयार है, चावल तैयार है, एवन भाई जी ने चावल तैयार कर दिया है, और ये सब यहाँ पे लहसुन छिल रहा है बड़े तरीके से भाई जी, आ रहे हैं क्या कहना भाई, भाई भाई जी आपका कैसा चल रहा है, कितने लोग आ रखे हैं, अच्छा अच्छा ठीक है भाई जी।
और यहाँ हमारे भाई जी भी बैठ रखे हैं, सारे लोग यहाँ पे आ रखे गाँव के। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या कहना है भाई जी आपका? अच्छा लग रहा है, यहाँ पे पूजा हो रही है गाँव में। ये मतलब जो भी लड़कियाँ यहाँ से गाँव से शादी होती है तो उनको ये पूजा करना कंपलसरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूजा के प्रवेश में सारे गाँव वाले यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जी, और यहाँ पे हम आधार दीप करते हैं। बिल्कुल 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 जी, जय कहना चाहते जी। ठीक है भाई जी, धन्यवाद। बकरा तैयार हो गया है दोस्तों, अब चलेगी इसकी कटिंग, चलेगी बढ़िया थी, बढ़िया था, तैयार हो चुका है, ग्रेवी तैयार होने लगी है। इसमें तेल हो गया, प्याज डाल दिया है, प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। और हमारे सारे यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया शेफ हैं, होटलों के एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं। और ये टमाटर तैयार है, अदरक लहसुन का पेस्ट बना रहा है, बढ़िया से बनाएगा। सोच ये देख सकते हैं दोस्तों, बड़ा टेस्ट आता है इसमें, बहुत बढ़िया खाना, बिल्कुल नेचुरल तरीके से खाना बनता है, बहुत ही टेस्टी खाना बनता है। चाहे मसाले जितने भी हो, चाहे वो बॉयल फ्राई कम भी हो, फिर भी टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भाई जी। कटिंग का कार्य यहाँ पे चालू हो गया महावीर भाई के द्वारा, योगेश भाई जी है यहाँ पे, हर्षा भाई जी हैं, अमित भाई जी और हरीश भाई जी। जो मोड वन बीट हो ना जनी का और सब गेंद जो कुछ नहीं आते है बाबा मां तो काट लेंगे, तो काट लेंगे मैं तो। और यहाँ पे प्याज भी हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है, और हरीश भाई ने हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट बना दिया है, डाल दो उसको, डाल दो। ब्राउन हो चुका है दोस्तों, अब इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर। नमक डाल दो, नमक डाल 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 वो ही रहना, डाल नमक डाल दे इसमें, अब इसको अच्छी तरह से पकाएंगे हमारे बड़े भाई। ए भाई यो कौन में तो जा बा जा जी, यो कौन था कौन आ रहा है, कौन आ दिल्ली ने यो तो जा यो कौन, अरे चल रहा है यहां पे कटिंग का कार्य, को गए कौन यो कुछ है यो तो जा ना ना, तो तमा पूरी ना तोड़ के दो, तोड़ भाई मार तोड़ तोड़ करना ना ना, पैथर भी जा जी, हमने तमने भी ना करा ए पत्ते पर अलग टूट जो, और ये खा भी रहे हैं वैसे वैसे करके, वो कटिंग आधा हो चुकी है, आधा से ज्यादा कटिंग हो चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये खून खान भी है इधर, इसको भी दिखाओ भाई साहब, हम यो तो बजरी लग दिन खाली यहाँ पे चल रहा है, बढ़िया से कूल पीस वाली कटिंग। हाँ ये दोनों दोनों खा भी रहे हैं मजा कर रहे हैं। यहाँ पे भी चलेगी कटिंग, यहाँ पे अभी इनका डिसाइड नहीं हुआ कैसा रखना, क्या रखना है। निधि बनते हैं
મેમોરી છે તે बहुत सुंदर कार्य यहाँ पे इनके द्वारा किया जा रहा है। बॉल पीस हो रहा है पूरे पूरे माल कितनी ज्यादा है ये भाई यार। और एक ग्रेवी तैयार हो चुके हैं जिसमें कुछ मीट डाल दी गई है और अभी बाकी पूरा कट रहा है। थोड़ा सा ना तो कटिंग का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। बाकी सारा कटिंग हो चुका है। और ये वही आ गया हमारा मटन कटा हुआ ये हमारा मटन बॉयल हो रहा है बढ़िया से मिक्स आधे पौने घंटे तक बॉयल हो रहा है। हो जाएगा एक घंटा तक ये हम बॉयल करेंगे बढ़िया। और यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं और चावल तैयार है हमारा। चावल का भी ढक्कन निकाल दो लोग कुमार जी ओके हो रखा है चावल भी हमारा ये पौधा भी नीचे पड़े बढ़िया ये बात कभी पूरी एक घंटा हो चुका है। मीट हमारी पूरी तरह से अच्छी से पक गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। चलो जी पानी घेर दो आपकी वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कितना प्यारा कलर आ रहा है बहुत बढ़िया कलर आ रखा हमारा मटन करी का। और इसमें हमने तीन छोटी बाल्टी पानी डाली है और ये हमारी मटन करी तैयार हो गई। अब इसको अच्छे से बॉईल करेंगे देख सकते हैं दोस्तों। और इसमें थोड़ा नमक थोड़ा कम है थोड़ा कम लग रहा था यहाँ पे पूरी खाने की तैयारी हो चुकी है। और यहाँ पे हमारे जितने भी भाई बंधु आ रखे हैं सब खाने की तैयारी में बैठे हुए हैं। बस अब मीट बॉयल होने की देरी है उसके बाद हमारा यहाँ पे भोजन चलेगा। और हमारे रामू भाई वहाँ पे मीट को बॉयल करते हुए लगभग हमारा सारा काम तैयार हो गया है और सारे लोग यहाँ पे बैठने की तैयारी में अब खाने खाने की तैयारी में लगे हैं। एक पल का वहाँ है एक झुंड वहाँ नीचे भी बैठा है और एक झुंड यहाँ ऊपर बैठा है और एक झुंड और भी ऊपर बैठा वहाँ।
अरे एक दल ऊपर बैठा है। और मटन ग्रेवी हमारी तैयार होने वाली है। थोड़ा नमक और मांगते हैं डालो जी। तो भाई जी आप बताओ कैसा बना है, बनाने के बनाने का श्रेय आप ही को जाता है जी। कम से कम 40,000 उनका खाना बन रखा है जी जी जी। यूट्यूब पर देखो ये तो खाने में पता है कोई यूट्यूब चैनल जी भाई जी जी। तो देखते हैं भाई जी बड़े तारीफ कर रहे हैं मटन ग्रेवी की और मटन सूप की। अब खाने में ही पता चलेगा कि भाई जी ने कैसे बनाया है। तो मटन ग्रेवी तैयार हो चुकी है और सारे लोग यहाँ पे खाने खाने के लिए बैठने वाले हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों और यहाँ भी सारे लोग आने वाले हैं। जाओ देवेंद्र भाई। तो यहाँ पे सारे लोग अब खाने खाने की तैयारी में सारे जुड़ चुके हैं और जितना जल्दी हो सके बैठ जाए अपने लिए जो को देख लें। चलो जी एक उस पर चावल पे डाल दो। यहाँ भी बैठ गए हैं अब यहाँ भी। अब क्या चल तू चल बात सारे लोग बैठ गए हैं। और यहाँ पे सूप निकाली जा रही है भाई जी के द्वारा। और ये यहाँ पे अरे यहाँ चावल मिल गया है। देवेंद्र भाई भी यहाँ पे लगे पड़े हैं। और ये है दोस्तों पूरा व्यू। कुछ यहाँ भी बैठे हैं और कुछ यहाँ भी बैठे और कुछ लोग यहाँ भी बैठे हैं। यहाँ सारे यंग लोग बैठे हुए हैं। साका भाई भी पहुँच चुके हैं। और ये है यहाँ पे मटन बहुत ही बढ़िया बन रखा है। ये सब अरे मीट यहाँ पे हमारे बड़े भाई समोसे लगे पड़े हैं। यहाँ प्रधान जी के पास भी यहाँ पे ग्रेवी ग्रेवी पहुँच गई है। तो टेस्ट करके बताना कैसे लगा आपको। आज हमारे भैया देवता की देश की जानकारी में अच्छा प्रदर्शन है जी। सराहनीय प्रयास और अच्छा कार्य। ठीक है बड़े भाई। और यहाँ ड्रिंक भी चल रही है। अमित भाई जी यहाँ पे मटन बांटेंगे। तो चलो जी सबको मटन चलाया जाए। सुनको सुनको चलाओ। तो
दारू है, ये सब कुछ लाया जा रहा है, बढ़िया हिसाब से कार्यक्रम चला जा रहा है यहाँ पे। यहाँ ड्रिंक वाले नहीं है, हट गाड़ दो अब। यहाँ अभी लगता है कुछ नहीं पहुँचा है, कोई नहीं तुरंत अब इसके बाद यहीं आएगा। अरे अपन छड़ कच्ची तो वाले के पास भी देखो यार, अभी भी यहाँ पे अमित भाई जी के द्वारा सबको बांटा जा रहा है। जरा बोला तो चलो दोस्तों हम तो गयो थे ना, सबने खा लिया तो अब सब लोगों ने यहाँ पे खा लिया है, दो चार ही बचे हैं खाने वाले। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में। दोस्तों कैसी लगी वीडियो, लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें।